रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की मेरी प्यारी प्यारी बहन, प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी रक्षाबंधन माई ऑल यूटू फैमिली। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया गाइस, तो इस बार मेरा रक्षाबंधन ऐसा है, मैं तो यहाँ पर हूँ मुंबई में, तो अपने गांव तो जा नहीं पाई हूँ राखी बांधने के लिए, कैसे जाऊँगी। अभी ढेर सारे त्यौहार, मैं गणेश जी बिठाती हूँ, मैं गणेश जी भी बिठाती तो उसी काम में सब लगी जा पाई हूँ। मैंने अपनी राखी पोस्ट कर दिया, मेरी राखी पहुँच भी गई है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखा भी दिया था। चलिए अभी मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ अयप्पा मंदिर दर्शन करूँगी। आप लोग चलिए आइए, आप लोग हमारे साथ दर्शन भी करिए हमारे साथ, और थोड़ा सा वहाँ प्रसाद ग्रहण करिए। और अयप्पा मंदिर का प्रसाद वाकई बहुत अच्छा रहता है, और मैंने शायद सेकेंड टाइम इतना पूरा जितना भी खाना है उसमें खाया है। चलिए आप लोगों से शेयर करती दिखाती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ अयप्पा मंदिर चलिए खाने, क्योंकि आज ओणम का त्यौहार भी है, हमारा रक्षाबंधन है और हम लोगों का रक्षाबंधन है, और इन लोगों का अयप्पा मतलब इन लोगों का ओणम का त्यौहार। ओणम 10 दिन चलता है, और वहाँ से होने के बाद मैं तुरंत कहीं और जाने वाली हूँ। कहाँ जाऊँगी? दोस्तों तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर ओणम है, ओणम का बहुत बड़ा इन लोगों का फेस्टिवल मनाया जाता है, साल में एक ही बार आता है, और ये फेस्टिवल 10 दिन का समय रहता है, 10 दिन चलता है फेस्टिवल इनका। 10 दिन फेस्टिवल जब चलता है तो ये लोग खाना पीना करते हैं, तो खाना ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया है। इसमें नारियल की चटनी है, इसमें केले की चटनी है, इसमें पत्ता गोभी की सब्जी है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इन लोगों ने अपने हाथ से खुद से पापड़ बनाया है, अचार है, केले की चिप्स है, राइस है, दाल नहीं सांभर है, काफ़ी डिश है इसमें खाना खाने के लिए। देख लिए साउथ इंडियन खाना, पूरी थाली सजी हुई है वो भी केले के पत्ते में। दोस्तों चलिए भी दोस्तों आइए फिर किचन में हमारे, मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर। कैसे मैंने आज शॉर्टकट में पनीर बनाया, फटाफट बनाया है, 2 मेंबर के लिए पनीर मैंने बनाया। इतनी पनीर देखने में कम लग रही होगी आपको, फिर भी 2 मेंबर के लिए बहुत ढेर सारी पनीर है। यहाँ पर काजू और टमाटर का पेस्ट बना लिया, थोड़ा मसाला भी मैंने ग्राइंडिंग करके रख लिया था, सब कुछ इकट्ठा तेल गर्म हो जाने के बाद हल्दी और लाल मिर्च सूखा पाउडर डालने के बाद मैंने ग्रेवी की जितना मैंने काजू और टमाटर वगैरह सब पीसा था मसाले में, जितने जीरा धनिया पाउडर रहते सब कुछ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने फटाफट इसमें मैंने प्याज आज पनीर में नहीं डाला, मैंने कहा प्याज डाल देने से बहुत भूनने में टाइम लगता है, अगर प्याज मैं नहीं डालूँगा ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट 15 मिनट के अंदर पनीर हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर करीब 2 लीटर दूध था, 2 लीटर में इतनी थोड़ी सी पनीर निकली है, ये देख लीजिए। तो पनीर अभी बना रही हूँ, अभी पनीर बनके मेरा रेडी हो गया। पनीर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ शॉर्टकट में, अगर मुझे बनाना होता, क्योंकि ज़्यादा मसाला, अगर रोज़ पनीर खाना तो ज़्यादा मसाला थोड़ी नहीं खाना है, तो रोज़ मसाला ज़्यादा खाने से नुकसान भी करेगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो अभी इसमें मैं पानी की जगह दूध यूज करूँ, मैं पनीर में कभी पानी नहीं डालती, अगर दूध हमारे पास नहीं रहता, दूध कभी कम रहता है तब मैं पानी डालती, नहीं तो मैं दूध ही पनीर में डालती, क्योंकि दूध डालने से उसका फ्लेवर अच्छा होता है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। बस शर्त ये है कि इसमें थोड़ा सा मिर्चा ज़्यादा डालना पड़ता है, लाल मिर्च पाउडर अब अच्छे से जहाँ आधा चम्मच डालती वहाँ पर 1 चम्मच डालना पड़ता, क्योंकि दूध से मीठा हो जाता थोड़ा सा। और हमारे घर में सब्जी अभी यहाँ पर बन के रेडी हो गए, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि पानी जल जाएगा दूध बचेगा तो खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगा। 15 मिनट के अंदर हमारी पनीर बनके तैयार हो गई, ये देख लीजिए 2 लोगों के लिए पनीर बनके रेडी हो गई। प्लेट्स में मैंने निकाल भी दिया है पूरी गर्मा गर्म, सुबह का नाश्ता हमारा बनके अभी रेडी हो चुका है। रक्षाबंधन में सुबह नाश्ते में मैंने पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन और अपनी पूरी
तो पूड़ी हमने बना दी है। पूड़ी हमने निकाला है लोहे की कढ़ाई में, अभी हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है। और दो लोगों के लिए यहाँ पर आटा मैंने थोड़ा सा साना, क्योंकि ज़्यादा आटा मैं सान के रखती नहीं हूँ, उतना ही आटा यूज करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत रहती है, नहीं तो आटा मैं ज़्यादा सान के नहीं रखती। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बोला था। यहाँ पर दोस्तों मेरी चाय बनके अभी सुबह का टाइम बनके रेडी हो गई। ये चाय भी हम दो मेंबर पीने वाले हैं। चाय तो मैं ज़्यादा ही पीती हूँ, तो इसीलिए आज हमने ढेर सारी चाय बना लिया है। और सस्पेन मेरा जूठा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ लग गया था, दूध था, दूध पहले से रखा हुआ था, सस्पेन मैंने धुला नहीं था, तो मैंने कहा लाओ इस पतीले में ही चाय बना लेती हूँ। चाय बनके भी रेडी हो गई। तो दोस्तों ये मंडे की वीडियो है हमारी, मंडे गई हुई थी तो मंडे की वीडियो है, तो मैं आप लोगों से मंडे की Thank you.